एक गांव में एक सौदागर रहता था। वह अपने कंधे पर नमक की बोरियां रखता। हर सुबह वह गधे पर नमक रख निकल पड़ता शहर की ओर। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। एक दिन गधा नदी में गिर गया और सारा नमक पानी में घुल गया और बोरियों के वजन कम हो गया। अगले दिन गधे पर और बोरियां रखी गईं। उसने सोचा, अगर मैं पानी में गिर जाऊं तो शायद इन बोरियों का वजन कम हो जाए। गधा नदी में इस बार जानबूझकर गिर गया। नमक नदी में घुल गया और बोरियों का वजन वापस से कम हो गया। गधा अब हर रोज ऐसा कर बोरियों का वजन कम कर अपना काम घटा देता। मैं कितना समझदार हूँ, मेरा जवाब नहीं। मैं अभी सौदागर को आराम से बुद्धू बना सकता हूँ। लेकिन सौदागर को गधे की इस हरकत का पता चल गया था। उसने एक तरकीब सोची। अगले दिन उसने गधे पर रुई की बोरियां रखी। गधे ने उस दिन भी यही हरकत की और जानबूझकर पानी में गिर गया। उसे लगा कि आज भी पोछ कम हो जाएगा, लेकिन गीली रुई भारी होती गई। गधे को अब भार उठाने में बहुत तकलीफ हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हमारा काम टालना नहीं चाहिए। जादुई मोर। एक बार की बात है, एक गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। वो घर में अकेले था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। अपना घर चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन किसी कारणवश वो कहीं पर भी टिक नहीं पाता था। वो बस अमीर होने के सपने देखता रहता था। एक दिन की बात है, वो गांव से शहर की ओर जा रहा था नौकरी ढूंढने। रास्ते में एक नदी दिखी और उस नदी में एक साधु बाबा डूब रहे थे। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, कोई तो मुझे बचाओ। अरे, ये साधु बाबा तो डूब रहा है, इन्हें जाके मुझे बचाना चाहिए। चंदन साधु बाबा को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और साधु को बचा लेता है। आप ठीक तो हैं बाबा जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। ये तो मेरा फर्ज था बाबा जी, चलिए अब मैं चलता हूँ। तुम क्या काम करते हो और कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊँ, काम तो बहुत कर लेता हूँ लेकिन किसी ना किसी कारणवश सफलता नहीं मिलती, इसलिए मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ बाबा जी। बाबा जी कुछ सोचते हैं और फिर चंदन से कहते हैं, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। वो क्या है बाबा जी? बेटा तुम दो नदी पार करके जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा जंगल दिखेगा। उस जंगल के अंदर एक जादुई मोर रहता है जिसके पंख सोने के हैं और उनमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। अगर तुम उस मोर को ढूंढने में कामयाब हो गए तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा।
धन्यवाद बाबा जी, मैं अभी उसी ओर जाता हूँ। चंदन बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा और वो दो नदियाँ पार करके उस घने जंगल की शुरुआत तक पहुँच गया। लगता है यही है वो जंगल जो बाबा जी ने बताया था। अब जाके मुझे उस मोर को ढूंढना चाहिए। चंदन काफी देर तक जंगल में घूमता रहता है पर उसे कोई मोर नहीं दिखाई देता। कब मिलेगा मुझे ये मोर? ओह, चलते चलते मेरे जूते फट गए हैं। मैं नए जूते बना लेता हूँ। चंदन जूते बनाने के लिए एक पेड़ की छाल उतार लेता है। इस छाल से अच्छे मजबूत जूते बन जाएंगे जो फटेंगे भी नहीं। वो अपने झोले में हाथ डालता है और सुई धागा निकाल लेता है। अच्छा हुआ मैंने मेरे झोले में सुई धागा रख लिया था, अब मैं तुरंत अपने जूते बना सकता हूँ। कुछ देर में चंदन ने अपने जूते तैयार कर लिए। मेरे जूते भी बन गए और मैंने आराम भी कर लिया। अब मुझे फिर से मोर की तलाश में जाना चाहिए। जैसे ही चंदन कुछ दूर पहुंचता है उसे एक आदमी मिलता है। भाई, क्या तुमने यहाँ कहीं जादुई मोर देखा है? नहीं भाई, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। ठीक है, मैं आगे जाके देखता हूँ। अरे भाई जरा ठहरो, तुमने ये जूते कहाँ से लिए बता दो। ये जूते तो मैंने खुद बनाए हैं। क्या तुम मेरे लिए भी बना सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मुझे एक घंटा दो, मैं तुम्हें नए जूते बना के देता हूँ। थोड़ी देर में चंदन जूते बनाकर उस आदमी को दे देता है। धन्यवाद भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और खेती करता हूँ। खेतों में हमारे जूते खराब हो जाते हैं पर अब से नहीं होंगे। धन्यवाद। चंदन फिर से मोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचता है उसे ठंड लगने लगती है। इस इलाके में तो कितनी ठंड है, मुझे अपने लिए एक जैकेट सिल लेनी चाहिए। चंदन जाता है और एक पेड़ के पत्तों से अपने लिए एक जैकेट बना लेता है। अरे वाह, अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। कितना मुलायम और गर्म है ये। चंदन कुछ दूर और जाता है, उसे वहाँ एक लड़का मिलता है। अरे भाई, क्या तुमने यहाँ कोई मोर देखा है? नहीं, मैंने यहाँ कोई मोर नहीं देखा। और भाई, ये जैकेट कहाँ से ली तुमने? ये तो मैंने खुद बनाई है। क्या तुम मेरे लिए भी बना सकते हो? चाहे तो इसके बदले में पैसे ले लेना। ठीक है, तुम एक घंटा रुको, मैं तुम्हें जैकेट बना के देता हूँ। चंदन जाके उस लड़के के लिए एक जैकेट बना लाता है। ये लो पहन के देखो। अरे वाह, ये तो कितना गर्म है और मुलायम भी। ये लो इसके पैसे। चंदन फिर से मोर की खोज में निकल जाता है। ओहो, इतने दिन हो गए मुझे भटकते हुए, कोई मोर नहीं मिला। लगता है बाबा जी ने मुझे पागल बना दिया। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए मोर। चंदन मोर की तलाश छोड़ के वापस अपने गांव की तरफ चल देता है और रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं। अरे भाई, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। ये मेरे मित्र हैं और इन्हें मेरी जैकेट बहुत अच्छी लगी है। ये लोग भी ऐसी जैकेट बनवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए बना देता हूँ। चंदन ने उन लोगों के लिए जैकेट बना दी। ये लो पहन के देखो। अरे वाह, ये तो काफी गर्म और आरामदायक है। ये लो इसके पैसे। चंदन पैसे लेके खुश हो जाता है। अरे वाह, आज कमाई तो अच्छी हो गई, पर ये पैसे भी कम हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचता है उसे वहाँ के कुछ लोग खड़े मिलते हैं। अरे भाई, कहाँ थे तुम? मैं हर दिन तुम्हारी राह देखता था
और आखिर आज तुम मिल ही गए। ये मेरे गांव के लोग हैं और ये लोग भी तुमसे जूते बनवाना चाहते हैं, जिसके बदले में सब पैसे देने को तैयार हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जूते बना दूंगा। चंदन सभी के लिए जूते बनाता है और पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। आगे जाके वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में उसे बाबा जी दिखते हैं। बाबा जी उसे सपने में कहते हैं, बेटा चंदन, वो जादुई मोर तुम्हारे अंदर ही है। उसी की खोज के लिए मैंने तुम्हें उस जंगल में भेजा था। तुम्हारे अंदर जो कला है, जो गुण है, उसी से तुम बहुत अमीर बन सकते हो। जी बाबा जी, मेरी आंखें खुल गई और मैं आपका इशारा भी समझ गया। चंदन ने अपने गांव में जाके एक जूतों और जैकेट की दुकान खोल दी। वो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जूते बनाता, जिसे लेने लोग दूर दूर से आया करते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मेहनत और लगन का इस्तेमाल करना चाहिए, वही हमें सफलता दिला सकती है।